ठीक है जी, अब हमने लास्ट टाइम किया था कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट। ठीक, तो पहले हम करते हैं कि व्हाट इज हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है बेटा? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। फॉर्म्स या जनरेट्स हार्ट बीट। या फिर हम क्या कह सकते हैं, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ। आपने पूरा लिखना है ये, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, नहीं तो COONT क्या बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ऐसा नहीं, वन कंप्लीट साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑल द चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज वन हार्ट बीट। नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव टाइम्स पर मिनट, बट इट इज ऑल्टर्ड अंडर डिफरेंट कंडीशंस बाय सिंपथेटिक। ये हम नर्वस सिस्टम में करेंगे, सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और यहां पे आपको क्या याद रखना है कि पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट्स एसए नोड जो हार्ट बीट को जनरेट करने में हेल्प करती है, एंड दस स्लोज डाउन रेट ऑफ हार्ट बीट। वेयर एज सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट्स एसए नोड एंड दस एक्सेलरेट्स रेट ऑफ हार्ट बीट। क्योंकि हार्ट बीट ऊपर नीचे हो सकती है तो कार्डियक आउटपुट भी हो सकती है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मल, ध्यान से मेरी बात सुनो फिर लिखना, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी है? इट इज 70 ml पर कार्डियक साइकिल। ठीक है, बट इट कैन बी ऑल्टर्ड, इट कैन बी
ऑल्टर्ड बाय एक्सरसाइजेस. देयरफोर हम क्या कहते हैं, देयरफोर जो एथलीट्स है, एथलीट्स हैव हाई स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, उनकी 70 की जगह 90, 100, 110 तक भी हो सकती है. देन ऑर्डिनरी पर्सन, एंड दस हैव हाई कार्डियक आउटपुट. एथलीट्स की हाई कार्डियक आउटपुट है. ठीक है, रेट ऑफ हार्ट बीट भी वेरिएबल हो सकती है, कार्डियक आउटपुट भी वेरिएबल हो सकती है. कार्डियक आउटपुट वेरिएबल होना कोई ज्यादा, मतलब ज्यादा होना अच्छी बात है, बट हार्ट बीट आगे पीछे ज्यादा होना ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है. ठीक है, तो इसको जो है मेंटेन ही रहे तो बेटर रहता है. इज इट ओके? ठीक है जी, चलो पहले ये लिख लो और फिर हम आगे चलेंगे. दैट इज हार्ट साउंड्स. हार्ट बीट कैन बी हर्ड बाय स्टेथोस्कोप. आप सबको पता है जो भी डॉक्टर्स है उन सबके गले में सबसे पहले स्टेथोस्कोप आता है. ठीक है, तो हार्ट बीट, रेट ऑफ हार्ट बीट, इट इज मेजर्ड बाय स्टेथोस्कोप. राइट, तो ये याद रखना है हार्ट बीट क्या है, एक कार्डियक साइकिल. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा हार्ट साउंड्स. हार्ट साउंड्स कब है, जब देखो, जब वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल शुरू हुआ. जब वेंट्रिकल सिस्टोल शुरू हुआ, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हुआ तो क्या हुआ, क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स. जैसे ढक्कन बंद होता है ना किसी डिब्बे का ठप, तो ऐसे ही एक आवाज आई, एक साउंड आई. ठीक है, दैट इज लव. ठीक है, तो क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व से फर्स्ट हार्ट साउंड आई. और फिर क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स. बट एवी वॉल्व्स बंद होने के टाइम फर्स्ट हार्ट साउंड आई. उसके बाद एंड ऑफ वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, या आप कह सकते हो स्टार्ट ऑफ जॉइंट डायस्टोल. जैसे ही हार्ट रिलैक्स होने शुरू हुए, प्रेशर कम हो गया और क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स. और जब ये क्लोज हुए तब भी एक आवाज आई जिसको हम कहते हैं सेकेंड हार्ट साउंड. ये भी स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है. राइट, तो फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड. स्टेथोस्कोप से पता चलता है कि क्या ये दोनों आवाजें क्लियर है, क्या ये दोनों सुन रही है, इसका मतलब हार्ट नॉर्मल काम कर रहा है.
कई बार सेमी ल्यूनर वॉल्व में इन्फेक्शन हो जाती है, ये पूरी तरह बंद नहीं होते, तो ये सेकेंड वाली हार्ट साउंड जो है नहीं सुनती, तो तब पता चलता है भी हाँ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है हार्ट में, राइट। सो नेक्स्ट आ जाइए, लिखिए अपनी कॉपी में, दैट इज हार्ट साउंड्स। तो राइट डाउन, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल कॉमा, टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विच कैन बी इजिली हर्ड बाय स्टेथोस्कोप, which can be easily heard by stethoscope. Next point आ जाइए, the first heart sound is lub, the first heart sound is lub, which is due to closure of AV valves. AV मतलब atrial ventricular valves. Bicuspid and tricuspid valves. The first heart sound is lub, which is caused due to closure of AV valve. ब्रैकेट में लिख लो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, ड्यूरिंग स्टार्ट ऑफ वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, सेकेंड हार्ट साउंड इज डब, ये लब ये डब, द सेकेंड हार्ट साउंड इज डब कॉमा, कॉज्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, कॉज्ड ड्यू टू closure of semilunar valve. Caused due to closure of semilunar valves at the start of joint diastole. At the start of joint diastole or at the end of a ventricular systole or at the end of ventricular systole. ठीक है जी, दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। एनी डिफेक्टिव हार्ट साउंड, एनी डिफेक्टिव heart sound causes the disease heart murmur, है ना, heart मर रहा है बचाओ बचाओ, this is heart murmur. ठीक है, अगर कोई सी भी sound defective है तो उस disease को हम कहते हैं heart murmur.
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, अनदर इज पल्स. नेक्स्ट हम आ जाते हैं पल्स बेटा, वेंट्रिकल स्क्वीज हुई और इसने ब्लड भेजा बाहर और ये आ गई आर्टरी. यहां से जब ब्लड यहां पे आया तो क्या हुआ, ये आर्टरी खुल गई जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में किया था वैसे, ये ब्लड यहां पे आया. देन दिस ब्लड फ्लोज टू दिस रीजन, देन दिस ब्लड फ्लोज टू दिस रीजन एंड सो ऑन. दिस इज पल्स, दैट इज ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड या ऑल्टरनेट वाइडनिंग एंड रिकॉइलिंग बैक. ऑल्टरनेट वाइडनिंग एंड रिकॉइलिंग बैक ऑफ द एट्रियल ऑफ द वॉल ऑफ आर्टरीज. Alternate widening या dilation and recoiling back of atrial wall of, हम कह सकते हैं of wall of arteries. Is called as pulse. ठीक है, arteries जो है are deep seated, हमें दिखती नहीं है except few. Such as कौन सी आर्टरीज, रेडियल आर्टरी कहां पे है, रिस्ट में है. टेम्पोरल आर्टरी कहां पे है, नियर ईयर्स. ब्रेंकियल आर्टरी कहां पे है, आर्म में, नेक में, आर्म्स में है. पीडल आर्टरी कहां पे है, फुट में है या नियर एंकल आप कह सकते हो. आप मेजर करके देखो, यहां पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से यहां पे देखोगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे आएगा. सो दैट इज पल्स. एंड रिमेंबर दैट इन मोस्ट ऑफ द कंडीशंस रेट ऑफ पल्स इज इक्वल टू रेट ऑफ हार्ट बीट. राइट, लिख लो, rate of pulse is equal to rate of heartbeat. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ब्लड प्रेशर.
नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर. सो इट इज द प्रेशर विद विच ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज. क्योंकि वेन्स में तो ब्लड बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है. जो हार्ट ने प्रेशर से भेजा वो किस में भेजा? आर्टरीज में भेजा. सो इट इज द प्रेशर विद विच ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज. इन नॉर्मल पर्सन व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट pressure of blood in arteries increases. क्योंकि वो सारे का सारा जब heart ने contract किया तो heart की ventricles में जो blood था वो कहाँ चला गया? Arteries में चला गया. Pressure बढ़ गया. And this is called as systolic pressure. सिस्टोल, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो सिस्टोल है. सो सिस्टोलिक प्रेशर, और वो हाई वाला है 120 mm ऑफ मर्करी. सेकंड है व्हेन वेंट्रिकल रिलैक्स लेस ब्लड. खाली तो कभी भी नहीं होती है आर्टरीज. Less blood in arteries. Less pressure. और क्योंकि ventricles relax कर रहे हैं तो हम इसको कहते हैं diastolic pressure. And you know it is 80 mm of mercury. Therefore, BP, blood pressure, is equal to systolic over diastolic. हमेशा डॉक्टर ऐसे ही लिखते हैं 120/80. Systolic ऊपर, diastolic नीचे. This is measured by instrument sphygmomanometer. जो blood pressure measure करने का instrument है वो कौन सा है? sphygmomanometer. Increase in blood pressure then normal. 120 से ऊपर हो जाए, 130, 140, 150, over 90, 100, ये हो जाए. Increase in blood pressure above normal is called as hypertension. Decrease in blood pressure, दोनों ही गलत है, is hypotension. Increase in blood pressure above normal is hypertension. Whereas, decrease in blood pressure below normal is hypotension. This is blood pressure.
ठीक है. जनरली राइट डाउन, जनरली इन ओल्ड एज, जनरली इन ओल्ड एज द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल. ब्लड वेसल्स बेचारी थक जाती है, उनके मसल बार बार खुल के फिर आके फिर खुल के फिर आके थक जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा नहीं खुल सकते. इन ओल्ड एज देयर इज, बहुत ज्यादा हाई नहीं, देयर इज सम इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इज कॉल्ड एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. ठीक है समरीत? यस मैम. ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. ये लिख लिया समरीत सारा बेटा? यस मैम. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी. रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, तो इसमें लिख लीजिए नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट is auto regulated by nodal tissue of heart itself. Nodal tissue क्या है? Asynode and AV node. Yes, है ना, हम कहते हैं specialized कार्डियक मसल फाइबर्स. नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट इटसेल्फ एंड दस द ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट. बट मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम. बट नर्वस सिस्टम नॉर्मल एक्टिविटी तो खुद कंट्रोल करता है, बट नर्वस सिस्टम controls the increase or decrease in rate of heartbeat. Right? So nervous system का कौन सा part है? Medulla oblongata. Of hindbrain. Medulla oblongata of hindbrain alters the
रेट ऑफ हार्ट बीट थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये नर्वस सिस्टम में बेटा हम करेंगे थोड़ा सा, अभी आपको याद ही करना है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसके कौन से पार्ट्स है, सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक. मैंने पहले भी आपको ये करवाया है, सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट्स SA node, increases rate of heartbeat, increases cardiac output, increases ब्लड प्रेशर ऑल्सो. ठीक है जी. और दूसरी तरफ जो है पैरासिंपथेटिक, एंटागोनिस्टिक, ऑपोजिट इन फंक्शन टू सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, इनहिबिट्स SA नोड, decreases rate of heartbeat, decreases cardiac output and decreases blood pressure. Is it right or not? Yes, ma'am. ये तो है नर्वस सिस्टम का. अनदर सेकेंड है हार्ट फंक्शंस. आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय बाय हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड्स है. आपने 8th में भी पढ़ा, आपने शायद 10th में भी पढ़ा होगा एड्रीनल. यस मैम. है ना, मेडुलरी हॉर्मोन्स. सच एज एड्रीनेलिन एंड नॉर एड्रीनेलिन. Is it okay? Yes, ma'am. और ये जो दोनों है दे increases heart functions. ये stimulatory है. ठीक है जी. So ये जो है this is about सर्कुलेटरी सिस्टम. थोड़ा सा बस ईसीजी का रह गया है, वो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. ठीक है, अब मुझे ये बताओ, दिस इज ऑल फॉर टुडे, राइट?